देश में जारी कोरोना संकट के बीच इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का चलन बढ़ गया है। सरकार की तरफ से फर्जी खबरों पर यकीन नहीं करने की बार बार अपील भी की जाती है। लोगों के कहा जाता है कि जब तक कोई आधिकारिक घोषणा न हो तब तक भ्रामक खबरों पर भरोसा नहीं करें। इसके लिए सरकार की PIB की तरफ से फैक्ट चेक की भी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना और भ्रामक खबरों के खिलाफ सचेत करना है। ताजा दावा कोरोना वैक्सीन को लेकर किया जा रहा है। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि देश में कोरोना की एक वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। PIB की फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी पाया गया। PIB की फैक्ट चेक में यह खबर फर्जी पाई गई और बताया गया कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट किया, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड में यह दावा कर रहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया है और लोगों को वैक्सीन ऐप डाउनलोड कर इसके लिए पंजीकरण कराना होगा। यह दावा फेक है। देश में अभी तक कोई COVID-19 वैक्सीन लॉन्च नहीं की गई है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।